नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू के उत्तम गार्डन में 8 मई को स्वर्गीय दीपक जाजू की स्मृति में 100वां संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गायन की चुनिंदा और उभरती प्रतिभाओं को भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह जानकारी भाजपा के पूर्व विधायक जीतू जिराती ने अनौपचारिक चर्चा में पत्रकारों को दी और आगामी 27 अप्रैल को कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। स्वर्गीय जाजू के निधन के बाद उनके संगीत प्रेमियों ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने तत्काल कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई और पूर्व विधायक जीतू जिराती के नेतृत्व में एक समिति गठित कर कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की जाएगी। साथ ही आगे ये भी बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की दिली ख्वाहिश है कि स्वर्गीय जाजू को श्रद्धांजलि भी संगीत के माध्यम से ही दी जाए। इस बारे में भाजपा के सभी मंडल के प्रमुख सदस्यों से डाक बंगले पर बैठक कर चर्चा की गई। खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे के संबंध में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने ये भी कहा कि खरगोन में हुए दंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। जिस प्रकार देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है और भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, आगे पत्रकारों के पूछने पर कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, सचिव कैलाश विजयवर्गीय जी वैवाहिक और अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में यहाँ पर पहुँचे थे तो उनका एकदम आयोजन और कार्यक्रम बना कि दीपक जाजू की स्मृति में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जाजू जी महू की धड़कन थे, वो यहाँ की नब्ज थे, उसको जीते थे, यहाँ के लोग उनको जीते थे, तो उनकी स्मृति में 8 मई को एक गीत संगीत से भरा हुआ कार्यक्रम होना है जो अभी यहाँ पर तय हुआ है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के संयोजन में वो होना है, तो एक बेहतर कार्यक्रम उनको समर्पित करके उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर होना है, इसलिए सारे लोग एकत्रित हुए थे। दीपक जाजू जी मित्र मंडली, उनका जो मंडल है वो भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर थे और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के जो फॉलोअर्स हैं, मतलब हम सब लोग उनके साथ में बैठ करके इस तरह का कार्यक्रम बना है जो एक कहीं ना कहीं आनंद का कार्यक्रम होगा। 8 मई उसकी तारीख तय हुई है और वो कौन सा गार्डन है, उत्तम गार्डन में उस कार्यक्रम का संयोजन होना है। स्थानों पर इस प्रकार की घटना हुई है और सभी दूर एक प्रकार की घटना, ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। जिस प्रकार देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार देश की साख आज के समय में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, ऐसे समय में जो देश को नहीं चाहते हैं, देश की प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, देश की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं और इससे समाज को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, सरकारों को भी सावधान रहने की आवश्यकता। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, क्या ये होना चाहिए? देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सनातन परंपरा बहुत मजबूत है और हमें कोई डर भी नहीं है कि कोई हमें कुछ नुकसान कर पाएगा। बाकी हमेशा एक्शन की रिएक्शन होती है और जब कोई एक्शन ऐसी होती है कि जिसके कारण कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसकी रिएक्शन भी होती है। तो वास्तव में ये बात सही है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ अपना निजी विषय है, इसको सार्वजनिक करना, सार्वजनिक करने के बाद फिर उसका प्रभाव यदि किसी पर होता है कम से कम उसकी चिंता भी करना चाहिए। यदि आप धार्मिक गतिविधि कर रहे हो और किसी का दिल दुख रहा है तो धार्मिक गतिविधि करने का कोई अर्थ नहीं, तो इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि अजान भी हो रही है और हनुमान चालीसा भी हो रही है, इसका मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, पर यह रिएक्शन होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास के भी 3 मकान इस खरगोन में तोड़े गए, वो पे आ जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास अगर किसी को मिल जाए तो उसको ये प्रमाण पत्र थोड़ी मिल सकता है कि वो गुंडागिर्दी कर सकेगा, वो पथराव बंद कर देगा, वो किसी के ऊपर गोली चला सकेगा, वो किसी के साथ रेप कर सकेगा, ऐसा कोई प्रमाण पत्र थोड़ी दिया जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो वो गुंडा है, वो किसी भी आवास में रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।